सब लोगों को सिर्फ ये लगता है कि आज ही झाड़ लगा दिया और इनको पैसे जो है रातों रात चाहिए रहते हैं। कोई भी चीज़ को टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। एक बच्चा भी पैदा होने के लिए 9 महीने लेता है, चलने के लिए जो है 7 से 8 महीना 9 महीना बच्चा चलने के लिए लेता है। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को डेवलप होने के लिए और इसका प्रॉफिट मिलने के लिए टाइम लगता है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर उतना सहन शक्ति होनी चाहिए। जब हम एक ईमानदारी का बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जो इस प्रॉब्लम को फेस कर लेगा उसी की जीत होती है। बस इतना कहना चाहूँगी, अगर आपकी ईमानदारी और आपकी लगन है इस किसी भी काम को करने की, तो आपको कोई हरा नहीं सकता और आपको कोई भी पीछे खींच नहीं सकता। खुद में इतना गट्स होना चाहिए और खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पीछे पलट के हमें नहीं देखना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी, जब हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो काफ़ी लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे फेस करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये मत सोचिए आपने किसी को झूठा दिलासा दिया, आपने किसी को झूठे प्रॉमिस किए और आप जो है फिर जब उसको निभाने का टाइम आए तो आप जो है उसको ये करो, इग्नोर करो, इट्स नॉट गुड फॉर दैट। आपने जब किसी को कमेंट किया है इस बिज़नेस में तो उस कमिटमेंट पे आप रहिए। जब तक आप कमिटमेंट पे नहीं रहते हो, यू नॉट अ गुड गाय, यू नॉट अ गुड बिजनेस मैन। ओके, मार्केट में आप कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने किसी का पैसा लेकर नहीं बैठी हूँ, उल्टा लोगों ने मेरा पैसा लेकर बैठा है। ठीक है, तो जिस किसी को अगर कोई शिकायत है तो आके मुझसे मिले, मेरे से बात करें। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, छोटा सा अचीवमेंट पाने के लिए काफ़ी गलतियाँ करते हैं, लेकिन आई एम इन द बेस्ट लीडर माई टीम। ओके, और मैं जहाँ भी खड़ी रहती हूँ मेरा बेस्ट देती हूँ। ओके, तो उंगली उठाने से पहले आकर मुझसे मिलिए, कुछ डाउट्स है तो क्लियर कीजिए। किसी इसकी उसकी बातों को सुनकर आप खामा खा के इस पर उंगलियाँ मत उठाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बिज़नेस ईमानदारी का बिज़नेस है, ये बिज़नेस बहुत सच्चाई का बिज़नेस है। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि ऐड क्यों नहीं करते, तो ऐड करेंगे तो शाहरुख ऋतिक रोशन वो बन रहे हैं ना, मुझे बनना है मेरी बिज़नेस की मिस वर्ल्ड। तो मैं तो मेहनत करूँगी, मैं तो बात करूँगी, मैं तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करूँगी। मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो मैं हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होता है मैं बताऊँगी लोगों को। अब मुझे अच्छा लग रहा है मैं तो अपने तक रखूँगी नहीं, मैं लोगों को तो बताऊँगी। ठीक है, ये सच्चाई का बिज़नेस है, ये झूठे लोगों का फ्रॉड करने का बिज़नेस नहीं है। ये सपने सच करने का बिज़नेस है, हमें आगे बढ़ाने का बिज़नेस है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने पूरे सपने तो करते हैं और हमारे कंपनी की बेस्ट हीरोइन बेस्ट हीरो बनते हैं। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ द पावर बेस्ट एज। डू यू अंडरस्टैंड? मच बेटर अंडरस्टैंड।